मुख्यमंत्री और वो आप देख पा रहे गुरु वेगा देवा जना मदन वदंतो नारायणाय सप्ताजारं पारिदाय स्त्री रप्तारा वीरा द्रौपदी मुर्मू जी आवदनं भोरोगं भजोम्मा महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। जय नमाया जान जाने मानी धर्मानी धर्मान्या सन्या उनके साथ है और रंग सरोवर की पूजा करेंगे। पीछे आइए भाई वेद में इस बात का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है कि दीपक में देवताओं का तेज जो है वो समाहित होता है। सूर्यांश संभवो दीप, अर्थात दीपक की उत्पत्ति सूर्य के अंश से हुई है और इसीलिए सबके कल्याण की कामना से दीप प्रज्वलन करने की परंपरा हमारे समाज में है, हमारी संस्कृति में है और उसी विश्वास के साथ आज ये सौभाग्य की घड़ी हम सबके। Thank you.
Jay Jain, you can clap for, BTEC Topper Civil Engineering 2016 batch, receiving the gold medal from the Honorable Chief Minister. Devika Jain, BTEC Topper of Computer Engineering 2016 batch. Yeah, you should maintain the clappings, you know, for all of your friends. Kumar Harshit. Kumar Harshit, BTEC Topper of Electrical Engineering 2016 batch. Please maintain the clappings. Vishal Thakral, BTEC moments is having in her life. Thank you. Thank you, Honorable President Ma'am. Thank you, guests of honor. किसी भी कार्यक्रम में आ गए मुझे विशेष प्रसन्नता होती है। आज डिग्री प्राप्त कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबके माता पिता, परिवारजनों, गुरुजनों और सभी प्रियजनों को भी मैं बधाई देती हूँ। आपकी जीवन यात्रा में इस जगह तक पहुँचने में उन्होंने विशेष भूमिका निभाई है। आपकी सफलता के पीछे समाज का भी योगदान है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समाज सेवा को भी अपनी प्राथमिकता में शामिल करेंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि NIT कुरुक्षेत्र इस वर्ष अपनी डायमंड जुबली मना रही है। सन 1963 में स्थापित हुई इस संस्थान के भारत के सबसे पहले NIT में से एक होने का गौरव प्राप्त है। NIT कुरुक्षेत्र में इस धर्म क्षेत्र में साइंटिफिक टेम्पर को प्रसारित करने में एक अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। पिछले 6 दशकों में देश और विदेश में उच्च शिक्षा के तकनीकी संस्थानों के बीच NIT कुरुक्षेत्र ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इस संस्थान के 40,000 से अधिक पूर्व छात्र ने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है और विश्व स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
यहाँ के विद्यार्थियों ने सिंगापुर से लेकर सिलिकॉन वैली तक, सिविल सोसाइटी से लेकर सिविल सर्विसेज तक सभी क्षेत्रों में अपना स्थान बनाए हैं। एनआईटी चुरुक्षेत्र की इस गौरवशाली यात्रा में शामिल रहे अतीत और वर्तमान के सभी अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एनआईटी कुरुक्षेत्र के 5800 विद्यार्थियों में से 1100 से अधिक लड़कियां हैं, आज डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 2800 विद्यार्थियों में से 500 से अधिक यानी लगभग 18% लड़कियां हैं। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स विषयों में भी और अधिक लड़कियां आगे आएं। देवियों और सुजनों, आज पूरा विश्व तेजी से हो रही परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन से नेचर ऑफ जोश में बदलाव हो रहा है। इस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से लोगों की बुनियादी जरूरतों में भी बदलाव आ रहा है। इससे इंजीनियरिंग की समस्याओं का तकनीकी समाधान निकाले। पैंडेमिक के दौरान ये स्पष्ट हो गया है कि भारत का आम नागरिक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। डिजिटल पेमेंट की सफलता इसका उदाहरण है। अगर टेक्नोलॉजी समाज के भलाई के लिए है तो उसे जनता का भरपूर सहयोग मिलता है। मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग का बाय प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में भी होता है। हम सबको टेक्नोलॉजी फॉर सोशल जस्टिस की सोच के साथ आगे बढ़ना है। इसकी चिंता करनी होगी कि वंचित वर्ग इसमें पीछे ना रह जाए और इसका प्रयोग समतामूलक समाज के निर्माण के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया है। इनमें से एक है साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की भावना को विकसित करना। पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन ने सन 1964 में आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में कहा था, एंड आई कोट, इफ वी वांट टू टैकल द प्रॉब्लम्स व्हिच आवर कंट्री फेसेस, इट इज एसेंशियल फॉर अस टू डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वी मस्ट डेवलप दीज थिंग्स, वी मस्ट एडॉप्ट ए साइंटिफिक आउटलुक, एंड आई अनकोट। ये आप सबका कर्तव्य है कि आप जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। मैं आजकल देखती हूँ कि शिक्षा या डिग्री की सफलता का मापदंड कैंपस प्लेसमेंट में अधिक सैलरी पैकेज हो गया है, यानी जिस विद्यार्थियों की जितना ज्यादा सैलरी पैकेज मिलता है उनको उतना ही सफल माना जाता है। अधिक सैलरी पैकेज मिलना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिस विद्यार्थियों को अच्छा से सैलरी पैकेज नहीं मिलता है उनकी योग्यता कम है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप कभी भी अपनी सफलता को पैकेज के आधार पर ना आंके। आपको आपको सफलता की पारंपरिक धारणाओं और सामाजिक दबावों से सीमित नहीं होनी है। आपको ये तय करना है कि आप वास्तव में अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। आप केवल वही करियर चुने जिससे आपको संतोष और जीवन में सार्थकता का अनुभव हो। मैं सभी अभिभावकों से भी अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को एक्सीलेंस के लिए प्रेरित करें। एक्सीलेंस के लिए प्रयास करते रहने और अन्य सभी उपलब्धियां
अपने आप हो जाएगा। इससे इंजीनियरिंग की आप तो की पद्धतियों को भी चुनौतियां मिल रही है। इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट के वजह से हो रही बदलाव के कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र सहित हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर रेडी बने। करिकुलम और पेडागोजी में परिवर्तन करके विद्यार्थियों को फ्यूचर रेडी बनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्यों में से शामिल है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे फ्यूचरिस्टिक कोर्सेस को शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी जानकर विशेष खुशी हुई कि एनआईटी कुरुक्षेत्र ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेमिनार सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की है। इस सेंटर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन डिजाइन्स तथा ई मोबिलिटी पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस क्षेत्र की स्थापना में से इंडस्ट्री, एकेडेमिया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थाओं जैसे डीआरडीओ और बीएचईएल के साथ सहयोग बढ़ रहा है। ये गर्व की बात है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र इस तरह का केंद्र स्थापन करने वाला उत्तर भारत में पहला और पूरे देश में दूसरा एनआईटी है। मैं इस पहल के लिए इस केंद्र से जुड़ी सभी लोगों को बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि ये केंद्र लोगों की समस्याएं सुलझाने में अहम भूमिका निभाएगा। देवियों और सज्जनों, हरियाणा और पंजाब के इस क्षेत्र का भारतीय कृषि के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के प्रगतिशील किसानों ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके हरित क्रांति को संभव बनाया और देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान की। लेकिन आज इस क्षेत्र में बढ़ता वायु और भूमि प्रदूषण तथा भूजल का गिरता स्तर एक बड़ी समस्या के रूप में उभारा है। एनआईटी कुरुक्षेत्र का ये दायित्व है कि इन समस्याओं का तकनीकी समाधान निकाले। पैंडेमिक के दौरान ये स्पष्ट हो गया है कि भारत का आम नागरिक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। डिजिटल पेमेंट की सफलता इसका उदाहरण है। अगर टेक्नोलॉजी समाज के भलाई के लिए है तो उसे जनता का भरपूर सहयोग मिलता है। मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग का बाय प्रोडक्ट नहीं है बल्कि इसका सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में भी होता है। हम सबको टेक्नोलॉजी फॉर सोशल जस्टिस की सोच के साथ आगे बढ़ना है। इसकी चिंता करनी होगी कि